नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। उत्तराखंड में पिछले दिनों लगातार हुई बारिश ने पहाड़ों से लेकर मैदान तक जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश से जहां कई सड़कें और पुल ध्वस्त हो गए हैं, वहीं अतिवृष्टि ने पिथौरागढ़ जिले से लेकर प्रदेश के कई हिस्सों में तबाही मचा दी है। अब देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने एक बार फिर से 6 सितंबर तक के लिए राज्य में कई हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी शुक्रवार के पहाड़ी जिलों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम के साथ भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में 6 सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा, जिसके तहत 5 सितंबर को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में अनेक स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है, जबकि 6 सितंबर को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में तेज बौछार के साथ भारी से बहुत भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश के येलो अलर्ट के चलते भूस्खलन, सड़कों पर मलबा आने, नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ने जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा है। मौसम विभाग की माने तो 6 सितंबर के बाद भी बारिश का दौर आगे कुछ दिन और जारी रह सकता है। तो मौसम से जुड़ी इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।